गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेज प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड RIMC। स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षण। उसके जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न अपन कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके थे। अब आगे करते हैं इसी को कंटिन्यू। अपना है क्वेश्चन नंबर सात करेंगे अपन अभी। तो क्वेश्चन नंबर सात है आपका, वो है आपका जो परछाई का जो नियम है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए, सूर्योदय के समय अमित और दीपक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। मतलब समय है सूर्योदय का और अमित और दीपक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब दोनों का मुंह एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। और जो दीपक की परछाई है वो अमित के दाएं हाथ की तरफ गिर रही है, कि वो इस प्रकार से खड़े हैं कि दीपक की जो परछाई है वो अमित के दाएं हाथ की तरफ गिर रही है। तो दीपक का मुंह कौन सी दिशा में है, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा गया। अब मैंने आपको परछाई का नियम बताया था कि सूर्य है वो आपका उदय होता है पूर्व में, तो परछाई पड़ती है पश्चिम में, और सूर्य आपका अस्त होता है पश्चिम में, तो परछाई पड़ती है पूर्व में, और 12 बजे परछाई अपने पैरों के एकदम नीचे पड़ती है, ना तो पूर्व में ना पश्चिम में। तो सबसे पहले अपने दिशाएं बना लीजिए। ये हो गई उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हो गई पश्चिम। अब आपको बोला है कि सूर्योदय के समय अमित और दीपक आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। समय है सूर्योदय का, मतलब सूर्य आपका उदय हो रहा है पूर्व में, तो ये आपका सूर्योदय हो गया और सूर्योदय किधर हो रहा है, पूर्व में, ये दिशा हो गई आपकी पूर्व। अब अमित और दीपक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आमने सामने खड़े होंगे तो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो क्या है, दीपक यहाँ पे खड़ा हो, अमित उसके सामने यहाँ पे खड़ा हो, एक अमित यहाँ पे खड़ा हो, दीपक उसके सामने यहाँ पे खड़ा, तो वो अपन देख लेते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे दीपक खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है आपका अमित, दोनों का मुंह एक दूसरे के आमने सामने है, तो अमित का मुंह तो इधर हो गया उत्तर की तरफ और दीपक का मुंह इधर हो गया दक्षिण की तरफ। अब जो दोनों की परछाई है, परछाई तो दोनों की ही पश्चिम में गिरेगी, चाहे दीपक की हो चाहे अमित की हो, क्योंकि सूर्य किधर उदय हो रहा है पूर्व में, तो ये हो गई अमित परछाई, अमित की परछाई हो गई, और ये हो गई दीपक की परछाई, दीपक की परछाई। अब देखिए, दीपक का मुंह दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ मुंह होगा तो इधर तो होगा दीपक का बायां और इधर होगा उसका, इधर बायां हाथ हो गया, इधर उसका हो गया दाया हाथ हो गया, ठीक है। अमित का मुंह है वो है उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ है तो इधर होगा उसका दाया और इधर होगा उसका बायां, दोनों का मुंह विपरीत दिशा में होगा आमने सामने खड़े होंगे तो,
और जो दिशाएं हैं उनके अनुसार जो दाया है और बाया है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब देखिए सब बन गए तैयार है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दीपक की परछाई अमित के दाएं हाथ की तरफ गिर रही है। ये दीपक की परछाई गिर रही है इधर, और ये अमित है, अमित के दाएं हाथ की तरफ गिर रही है, लेकिन ये तो अमित का क्या हो गया, बायां हाथ हो गया। मतलब दीपक की परछाई की किधर, अमित के बाएं हाथ की तरफ गिर रही है। अब परछाई तो दीपक की इधर ही गिरेगी, चाहे वो यहाँ पे खड़ा हो चाहे यहाँ पे खड़ा हो, लेकिन अमित के किधर गिरेगी, दाएं हाथ की तरफ। जबकि इस पोजीशन में, इस स्थिति में ये खड़े हैं, तो अमित के बाएं हाथ की तरफ गिर रही है। मतलब ये स्थिति सही नहीं है, सही नहीं है। तो अपन अब क्या है, जो दूसरी स्थिति है वो देखते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या होगा, अब इस बार पहले क्या है, दीपक यहाँ पे खड़ा था, अमित यहाँ पे खड़ा था। अब देखिए अमित को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, अमित यहाँ पे खड़ा हो गया, तो अमित की परछाई गिरेगी इधर, परछाई दोनों की पश्चिम में गिरेगी, चाहे किधर भी खड़े हूँ। अब दीपक को यहाँ खड़ा कर देते हैं, तो दीपक की परछाई गिरेगी, वो भी पश्चिम में गिरेगी। और ये देखिए, देखिए अमित का इधर दायां हाथ हो गया, इधर बायां हाथ हो गया, इधर दीपक का बायां हाथ हो गया, इधर उसका दायां हाथ हो गया। अब देखिए अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो इस प्रकार से खड़े हैं कि जो दीपक की परछाई है वो अमित के दाएं हाथ की तरफ गिरती है। ये दीपक की परछाई गिर रही है और ये अमित का दायां हाथ है, इसी तरफ गिर रही है ना। मतलब ये सही स्थिति में खड़े हैं, ये दीपक की परछाई गिर रही है और अमित के दाएं हाथ की तरफ गिर रही है, मतलब सही स्थिति में गिर खड़े हैं ये। तो अब अपन को पूछा है कि दीपक का मुंह कौन सी दिशा में है, जिस प्रकार से वो खड़े हैं दीपक का मुंह कौन सी दिशा में, तो दीपक का मुंह इस दिशा में है। मतलब दीपक का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। ये हो गया अपना आंसर कि दीपक का मुंह उत्तर दिशा में। अगर आपको पूछ लेता अमित का मुंह कौन सी दिशा में है, तो अमित का मुंह हो जाता दक्षिण दिशा में हो जाता। तो ईजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप कि एक घड़ी में 9:15 का समय हो रहा है, कि घड़ी में समय है 9:15, और जो उस घड़ी के घंटे की सुई है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। घड़ी के घंटे की सुई है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, तो घड़ी के मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो घड़ी के मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में होगी। तो देखिए आप, ये दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये मान लो घड़ी, ठीक है। अब घड़ी है, घड़ी में आप देखिए 12:00 यहाँ पे, 6:00 यहाँ पे, 3:00 यहाँ पे और 9:00। 12:00 तब दिशा होती है उत्तर, 3:00 तब दिशा होती है पूर्व, 6:00 तब दिशा होती है दक्षिण, और 9:00 तब दिशा होती है पश्चिम। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि घड़ी में समय 9:15 है, और 9:15 पर घड़ी की घंटे की सुई वो पश्चिम की तरफ है। 9:15 समय होगा तो घड़ी की घंटे की सुई तो होगी यहाँ पे, और जो मिनट की सुई होगी 15 पे 3 पे होती है, फिर 0 पे 12 पे होती है, 15 पे 3 पे होती है, और
30 मिनट पे 6 पे होती है और 45 मिनट पे 9 पे होती है। तो 9:15 है, मतलब घंटे की सुई 9 की तरफ होगी और मिनट की सुई 3 पर होगी। तो ये हो गई आपकी घंटे की सुई। सुई और ये हो गई आपकी मिनट की सुई। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि घंटे की सुई है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। घंटे की सुई पश्चिम दिशा की तरफ है, दिख रहा है आपको, ये पश्चिम दिशा में है, इस दिशा में है। तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो मिनट की सुई देखिए आप इस दिशा में है, मतलब पूर्व दिशा में होगी। तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में होगी। यही अपन को निकालना था कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। मिनट की सुई पूर्व दिशा की तरफ होगी। अब देखिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, आपको क्या पूछा गया है। देखिए, यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर दिशा हो जाती है, यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर दिशा हो जाती है तो उत्तर पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी या हो जाएगी? तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन दिशाएं बनाते हैं कि दिशाएं किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए दिशाएं बनाई, पहले हो गई मुख्य दिशाएं, ये हो गई ये 4 आपकी मुख्य दिशा। फिर होंगी अन्य दिशाएं, ये हो गई आपकी अन्य दिशाएं। ठीक, मुख्य दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अन्य दिशाएं होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब आपको इसमें क्या बोल रहा है कि दिशाओं का बदलना जो है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर दिशा हो जाए तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? तो देखिए इसमें दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर दिशा हो जाएगी तो दक्षिण पश्चिम दिशा यहाँ से घूमकर किसकी जगह पर आ जाएगी? उत्तर दिशा की जगह पे आ जाएगी। और घूमेगी भी किस तरफ से? घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त घूमेगी? ऐसे ही घूमेगी। इसको अपन ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसे घुमाएंगे तो ज़्यादा डिग्री का कोण बनेगा और ज़्यादा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको आप ऐसे ही घुमा लीजिए। तो दक्षिण पश्चिम दिशा घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी तो ये 45, फिर 90 और ये 135 डिग्री। तो कितनी घूम जाएगी? 135 डिग्री घूम जाएगी। दक्षिण पश्चिम दिशा 135 डिग्री घूम जाएगी तो वो उत्तर दिशा की जगह पे आ जाएगी। तो ये इसकी जगह पे आ गई, यही अपन को क्वेश्चन में बोला गया। अब दक्षिण पश्चिम दिशा 135 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर उत्तर दिशा की जगह पे आ गई। तो अब जो सारी दिशाएं हैं वो 135 डिग्री घूमेंगी और दूसरी दिशा की जगह पे रिप्लेस होंगी। तो देखिए दक्षिण पश्चिम घूम गई 135 डिग्री, अब पश्चिम भी घूमेगी 135 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पश्चिम घूम गई तो अब उत्तर पश्चिम भी 135 डिग्री घूमेगी तो यहाँ पे आ जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम घूम गई तो उत्तर भी 135 डिग्री घूमेगी, उत्तर आ जाएगी यहाँ पे। अब उत्तर भी घूम गई 135 डिग्री तो उत्तर पूर्व भी घूमेगी 135 डिग्री तो उत्तर पूर्व यहाँ पे आ जाएगी। अब उत्तर पूर्व भी घूम गई 135 डिग्री तो पूर्व भी घूमेगी तो
तो पूरा घूम कर यहाँ पे आ जाएगी। अब पूरा घूम गई 135 डिग्री तो दक्षिण पूर्व भी घूमेगी, तो दक्षिण पूर्व घूम कर यहाँ पे आ जाएगी। दक्षिण पूर्व 135 डिग्री घूम गई तो दक्षिण भी घूमेगी, तो दक्षिण घूम कर यहाँ पे आ जाएगी। तो अब क्या है, एक दिशा 135 डिग्री घूम गई तो सारी दिशाएं घूम कर क्या है 135 डिग्री घूम जाएंगी। तो अब सारी दिशाएं क्या है बदल जाएंगी। अब अपन को देखिए सारी दिशाएं बदल गई और घूमी कैसे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि जो आपकी उत्तर पूर्व दिशा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी। तो ये देखिए उत्तर पूर्व दिशा पहले ये थी, बाद में कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई। तो आपकी उत्तर पूर्व दिशा है वो दक्षिण दिशा हो जाएगी। ये अपना उत्तर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और कोई से भी पूछ सकता है कि पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी, तो पूर्व दिशा दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। एक बार इनको घुमा देना है, फिर आप कुछ भी पूछे इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चन किए जो दिशा ज्ञान परीक्षण है उसके, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।